अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एरर कोड 1934 जो कि दिस सेटअप रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस टू कॉन्फ़िगर विर्चुअल होस्ट, ये इसका एरर देता है। ये नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी के एनवायरनमेंट में होता है जब आप यूज़र इंस्टॉलेशन को जो है वो ग्रुप पॉलिसी में डिसेबल कर देते हैं, तो ये यूज़र इंस्टॉलेशन में ये जो एरर देता है। तो इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको रजिस्ट्री में थोड़ी मॉडिफिकेशन जो है एडिटिंग करनी पड़ती है। तो ये आज की वीडियो में मैं आपको जो है कंप्लीट उसका सलूशन बताऊंगा। तो ये नॉर्मली आप जो है ये मैं SAP की इंस्टॉलेशन में मुझे ये एरर आया, तो ये आज की वीडियो में मैं आपको SAP की इंस्टॉलेशन और उससे पहले इसका एरर का सलूशन जो है वो कंप्लीट सलूशन जो है वो मैं बताऊंगा। SAP बेसिकली ये कि ERP होता है, स्पेनिश बेस्ड ERP है, जो कि आपको कंप्लीट जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपके फिनांस मॉड्यूल में, आपके पेरोल मॉड्यूल में, और इसमें आप जो है अपनी कंप्लीट जो है वो एंट्रीज फ्रॉम इनवर्ट टू इनवाइस बिलिंग कंप्लीट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसका मज़ीद SAP का जो है आप वो इंटरनेट पे मज़ीद देख सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में इसके एरर जो आपको एरर नज़र आ रहा है, जो मैंने SAP की लीड एक्विजिशन जो है वो रन की है, तो मुझे ये जो है वो एरर आया, तो मैं इस एरर को जो है अभी देखता हूँ, इसके रीज़न जो है वो आपको बताऊँगा। तो आपने इस वीडियो को जो है ना वो कंप्लीट देखना, और ये एरर का जो है सोल्यूशन क्या होता है वो इस एरर को आपने जो है वो सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं कि इसके रजिस्ट्री में कौन कौन सी एंट्री जो है वो हम लोग मॉडिफाई करेंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद दोबारा से जो है ये सेटअप जो है वो ये रन करेंगे, तो ये जो है वो एरर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी जो है वो SAP की जो है इंस्टॉलेशन जो है वो विदाउट एनी एरर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी क्योंकि मैंने ये रिक्वायरमेंट रन किया, तो इसमें रजिस्ट्री एडिट में जाना है, आपने रजिस्ट्री एडिट की कमांड लगाएंगे तो आपने ये ओके कर देना। उसके बाद आपने जो है वो इसकी लोकल मशीन में आपने जो है वो थर्ड नंबर पे जो आपको जो है वो नज़र आ रहा है, उस ऑप्शन को आपने एक्सपेंड करना है। उस ऑप्शन को एक्सपेंड करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शंस जो है वो नज़र आ रहे हैं, उसमें आपने जो है वो सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर के ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें पॉलिसीज़ आएंगी, पॉलिसीज़ को आप एक्सपेंड करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सपेंड करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेंड करने के बाद जो है इसकी पॉलिसीज आएंगी, और इसमें आपने इंस्टॉलर के ऑप्शन में जा कर उसको 1 की बजाय 0 कर देना। उसके बाद इसको दोबारा से मैंने ये सेटअप रन किया, और अब देखते हैं कि इसकी जो है वो एरर जो है वो आती है दोबारा से कि नहीं आती। तो ये प्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो उसकी कम्प्लीट हो गई है, मीन के जो एरर है वो ख़त्म हो गया। आपको और भी किसी सॉफ्टवेयर में जो एरर आए तो आपने इसी तरह रजिस्ट्री एडिटिंग में जा कर तो इसको कर देना। अब मैं इसको जो है ये दोबारा से सेटअप इसका चलाता हूँ, इसका दोबारा से सेटअप चलाने के बाद मैं इसको यस कर देता हूँ। यस करने के बाद SAP बिजनेस वन जो है इसका सेटअप जो है वो चल गया। अब इसको देखते हैं मज़ीद इसमें कोई एरर तो नहीं आता है। ये इसको नेक्स्ट कर देना। इधर आपने कोई सी भी जो है वो अपना यूज़र आईडी कोई सा भी दे सकते हैं आप अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी जो भी आप आइडेंटिफिकेशन के तौर पे इसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं लैब में तो वो आप इधर लिख सकते हैं। कंपनी नेम जो आप देना चाह रहे हैं वो आप पे है, आपने जो भी देना है इधर।
बिजनेस करेंगे तो ये पक्की जो है वो सेटअप इसका चल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप, जिस मशीन पे आप इसको SAP बिजनेस वन इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसकी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी उतनी जल्दी इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। और मिनिमम रिकमेंडेड इसके लिए जो मैं करता हूँ वो एटलीस्ट कोर 2 GB होना चाहिए, और रैम मिनिमम इसकी 8 GB होनी चाहिए। हार्ड ड्राइव की बजाय इसकी SSD हो, ताकि आपको जो है वो ज़्यादा उसकी ट्रांसफ़र रेट जो है डाटा की मिल सके, तो आपके लिए ज़्यादा जो है वो अच्छा है। ये इसका सेटअप जो है वो कंप्लीट हो रहा है, इसको देखते हैं, ये सेटअप को वेट करते हैं हम लोग, ताकि इसकी कंडीशन जो है वो हो सके, और मज़ीद कोई जो है वो अगर हमें कोई एरर वगैरह आती है तो इसका हम लोग देख सकते हैं। ये भी इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना ये वो खुद ही कंप्लीट कर रहा है। अभी इसकी इंस्टॉलेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। जब आपने लैंडस्केप सर्वर, जो आपका सर्वर का एड्रेस है वो इधर आपने लिख देना है, कोई भी आप लिख सकते हैं 10.9.1, जो भी आपके सर्वर का IP है वो आपने इधर लिख देना। मैं क्योंकि एक डमी दे रहा हूँ तो उस वजह से मुझे एरर दे रहा है कि भी मैं मतलब इसको प्रोसीड करने के लिए जो है वो कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। आपने लेकिन आपके जो करेक्ट वाला है वो लिख देना है। इसको क्योंकि वो आगे सर्वर अवेलेबल नहीं है, उस वजह से वो जो है ये टाइम ले रहा है और नॉट रिस्पॉन्डिंग में जो है ना वो जा रहा है। लेकिन फर्दर इसको प्रोसीड कर देते हैं हम लोग, तो वो सारे सेटअप वगैरह वैलिडेट करके तो इसकी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेगा। आपने इसकी इंस्टॉलेशन से पहले इसका अगर तो आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस इंस्टॉल है या तो आपसे SAP बिजनेस वन के सेटअप को उसमें एग्जम्पशन में डाल दें, या टेम्प्रेरी तौर पे उसकी फायरवॉल और एंटीवायरस जो है वो डिसेबल कर लें, ताकि जो है उसका एंटीवायरस इसको जो है ना वो ब्लॉक वगैरह ना करे, या इसका सेटअप जो है वो डिलीट वगैरह ना करे। मुझे सेटअप थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ये मैं जिस सिस्टम पे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन को इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो टाइम ले रहा है। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल की है, उसी हिसाब से इसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस आएगी। इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो भी टाइम लेती है, और ये फर्स्ट स्टार्टअप पे भी टाइम लेता है। नेटवर्क पे ये ऑलमोस्ट 80-100 MB जो है ना फर्स्ट स्टार्टअप पे लेता है। जब आप इसके सेटअप को यूज़र नेम पासवर्ड लगा के तो उसको करते हैं तो ये बैंडविड्थ काफ़ी लेता है, ये काफ़ी हैवी जो है ना बैंडविड्थ पे ऑपरेट करता है। इसके लिए नेटवर्क आपका बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, और उसका आप इसका जो है आपको ट्रांसफ़र रेट आपके नेटवर्क का जो है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। स्टेबल बैंडविड्थ पे SAP की परफॉर्मेंस आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अभी ये SAP के सेटअप को कंप्लीट हो लेने दें, देखते हैं कि इसको जो है वो कोई एरर वगैरह तो नहीं आता। इस सेटअप के बाद एक और सेटअप जो है ना वो SQL सर्वर के नेटिव क्लाइंट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ताकि जो SAP का जो डेटाबेस है वो भी आपके लिए एक्सेसिबल हो सके। ये जस्ट जो
सेटअप है क्लाइंट का, ये इंस्टॉल हो रहा है कि आपके कंप्यूटर में SAP जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन आपने सर्वर पे जो आपका SQL सर्वर है या जो डेटाबेस आपने बनाई हुई है जिसको आपने कनेक्ट करके उस पर आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड आपका बना हुआ है, तो उस डेटाबेस पे आपने कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट जो है ना वो 2012 वर्जन या 2014 वर्जन, 2012 वैसे रेकमेंडेड है 9.3 PL02 के लिए, 9.2 PL03 वर्जन के लिए, तो वो आपने 2012 सर्वर जो है SQL का नेटिव क्लाइंट वो भी आपने डाउनलोड करके रख लेना है, नहीं तो इसकी इंस्टॉलर के साथ जो है वो आपको SQL सर्वर भी जो है ना वो मिलता है, तो आपने वो भी इंस्टॉल कर लेना है। कंपोनेंट्स को अपडेट कर रहे हैं, ये भी इसकी इंस्टॉलेशन जो है ना वो कंप्लीट हो रही है। इस सेटअप में अभी थोड़ा टाइम लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मेरा जो लैपटॉप है इस पर सॉरी टू से इतने स्पेक्स अच्छे नहीं हैं इसके लिए, इस पर सैप हो सकते, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो जो है वो बनाने के लिए वो इस पर मैंने सैप का सेटअप चला दिया, लेकिन नहीं वो मैं बाद में इसको रिमूव कर दूँगा ताकि मेरा लैपटॉप जो है ना बैठ ना जाए, इसकी बाकी परफॉर्मेंस है ना वो भी फिर मुझे तंग करेगी। ये भी इसकी सेटअप फाइल को कॉपी कर रहा है कंप्यूटर में,
एक बात आपने याद रखनी है, जो एरर 1934 एरर है, ये आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन के दौरान जो है ना वो दे सकते हैं। नॉर्मल ये जो SAP का ये एरर आया, ये एरर का मैसेज और था, आपको और एरर भी आ सकते हैं, यूज़र इंस्टॉलेशन इज डिसेबल ऑन दिस मशीन, ये एरर भी आ सकता है, यूज़र इंस्टॉलेशन आर डिसेबल्ड प्लीज़ इनेबल, इस तरह एरर आ सकते हैं। आपने यूज़र इंस्टॉलेशन को जो है ना वो याद रखना है कि यूज़र इंस्टॉलेशन डिसेबल्ड का मैसेज SAP के अलावा जिस मशीन पे भी आता है, आपने यही प्रोसीजर और रजिस्ट्री की यही एंट्री जो है ना वो जाके तो उसको आपने 1 की जगह पे 0 करेंगे तो वो अनेबल हो जाएगी, तो वो अपने प्रोसेस जो है ना वो सेम प्रोसेस आपने यही वाला करना है। ये स्पेशली क्योंकि SAP में नॉर्मली आपको आता है, जब आप एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में SAP बिजनेस वन को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ये आपको एरर आता है, तो आप इस एरर को मैन्युअली जो है ना वो रजिस्ट्री में जाओगे तो आप उसकी रजिस्ट्री की एंट्री जो है ना वो एडिट करके तो उसको आप जो है ना वो यूज़र इंस्टॉलेशन को इनेबल कर देते हैं, उसके बाद फिर सेटअप आप चलाएंगे तो आपका भी SAP जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट इसके सेटअप कंप्लीट होने वाला है, इसके बाद हम लोग SAP के जो SAP के लिए जो SQL सर्वर यूज़ हो रहा है, बैकएंड पे RHEL पे SQL सर्वर में डाटाबेस होगी, तो डाटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपको जो है ना खाली SAP आप ऐसे इंस्टॉल कर देंगे तो आपको SAP आपका इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सामने यूज़र नेम और पासवर्ड वाली कंसोल भी आ जाएगी, लेकिन आप किसी भी डाटाबेस को वो कनेक्ट जो है ना वो नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास SQL का सर्वर का नेटिव क्लाइंट नहीं होगा, तो वो आपने इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसके बाद आप जो है ना वो अपने SQL सर्वर का जो डाटाबेस बनाइए अपने सर्वर पे, जिसमें आपके SAP की एंट्रीज फॉर्म वगैरह का जो डाटा है वो सेव हो रहा है, तो उसके लिए आपको SQL सर्वर नेटिव क्लाइंट चाहिए होगा, वो आपने इसके बाद जो है ये सेटअप कंप्लीट होने वाला है, तो इसके बाद हम लोग जो है ना SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट जो है ना वो इंस्टॉल करेंगे। इसको मैं कंप्लीट हो गया, अभी रीस्टार्ट मैं नहीं कर रहा, रीस्टार्ट इसके बाद में ज़रूरत नहीं, वैसे रीस्टार्ट के बगैर भी आपका काम जो है वो चल जाएगा, तो मैं इसको लेटर पे करके तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, उसके बाद जो SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट जो है ना वो क्योंकि हमने इंस्टॉल करना है, टाइम बचाने के लिए हम लोग इसको अभी जो है वो नीचे वाली ऑप्शन जो है, अभी ऊपर वाली ऑप्शन में आपको बता रहा है यस रिस्टार्ट कंप्यूटर है ना, लेकिन मैं इसको जो है मैनुअली रिस्टार्ट बाद में करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जो है ना वो बाद में रिस्टार्ट करके तो सेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ये इसकी सेटअप ऑटोमेटिकली आप लेटर ऑन भी कर दें तो सेटिंग्स इसकी जो है वो अप्लाई होगी, SAP बिजनेस वन क्लाइंट जो है वो आप कंप्यूटर में जो है वो इंस्टॉल हो चुका होगा, इधर से इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट इंस्टॉल करना है तो इसलिए इसको हम लोग बाद में रिस्टार्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम जो है ना वो बच सके। अब मैं उसकी जिधर SQL सर्वर का नेटिव क्लाइंट पड़ा हुआ मैं उधर जाके उसको सेटअप को रन करूँगा, सेटअप रन करने के बाद इसको मैं यूज करके नेक्स्ट करूँगा, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करूँगा, SQL सर्वर अनेबल करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर दूँगा, तो वो जो है वो फिनिश हो जाएगा। अब जो है आप कम्प्लीटली आपके लिए SAP जो है वो आपके लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, अब आप उसका जो है वो SQL सर्वर डेटाबेस जो आपने बनाई है वो भी आपके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप ये क्योंकि मेरा सर्वर अभी अवेलेबल नहीं है, इधर आपने अपने सर्वर का IP देके तो ओके कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी,
वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई होप आपका जो यूज़र इंस्टॉलेशन की ऑप्शन है वो आपकी शॉर्ट आउट पूरी होगी।